नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया खौफ में है। भारत में भी दिल्ली मुंबई सहित कई शहरों में जनजीवन थमता नजर आ रहा है। सभी आयोजन रद्द किए जा रहे हैं। इस बीच मुंबई में एक शादी की तस्वीरें बेहद खास हैं। कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ लोग खौफ में हैं, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लोग घर से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे में मुंबई में एक कपल ने शादी की। उन्होंने इस शादी के जरिए लोगों को एहतियात बरतने का संदेश भी दिया। पारंपरिक परिधान में सजे दूल्हे और दुल्हन ने मास्क लगाकर सात फेरे लिए और अपनी शादी से सावधानी का संदेश भी दिया। मुंबई के भांडुप में 18 मार्च को ये शादी हुई। मुंबई में कोरोना वायरस के कई केस सामने आ चुके हैं। दूल्हा दुल्हन के परिवार ने शादी को टालने की बजाय सभी सावधानी और एहतियात बरतते हुए बारात का स्वागत किया। सतीश और सुप्रिया ने अपनी शादी के जरिए लोगों को सावधानी बरतने का संदेश भी दिया। दूल्हे सतीश ने हरे रंग का मास्क लगाया था। कोरोना वायरस को ठेंगा दिखाकर शादी रचाने वाले सतीश की रंगत वैसे मास्क में भी कम नहीं हुई। शादी समारोह में आए सभी लोगों के लिए मास्क का इंतजाम किया गया था। बारात में आए सभी लोग और पंडित जी भी मास्क पहने हुए थे। पंडित जी ने मास्क पहनकर ही सभी मंत्र पढ़े। शादी समारोह में आए सभी लोग मास्क में थे। इसके अलावा भी सभी एक दूसरे से दूरी बनाए रहे। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया था। वैसे कोरोना इफेक्ट वाली ये कोई पहली शादी नहीं थी। फिलीपींस में भी हुई थी ऐसी ही शादी। पिछले महीने फिलीपींस में भी एक सामूहिक शादी समारोह को इसी तरह अंजाम दिया गया, जहां 220 जोड़ों ने मास्क पहने हुए एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। इसके अलावा भी कई कपल्स प्री वेडिंग शूट मास्क में करते नजर आए। खैर जो भी हो, शादी समारोह के दौरान भी लोग अलर्ट हैं, ये अच्छा है।